दोस्तों, तो मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है फ्लोट सेल्फ। फ्लोट सेल्फ के बारे में पूरा मतलब आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि फ्लोट सेल्फ क्या होती है और कैसे होती है, इसका पोजीशन क्या है और आपको कैसे करनी चाहिए, टेक्निक क्या है और कॉमन मिस्टेक क्या और ड्रिल्स क्या है। तो इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एम लाइक एम है हमारा 5000 और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ जिससे कि आपके पास नई नोटिफिकेशन आ सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट कि ये फ्लोट सर्व आई कहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्लोट सर्व ये सर्व आज की डेट में जो भी हम गेम खेलते हैं वो कॉलेज वाले प्रोफेशनल हो सब जगह इसका यूज होता है, बट ये सर्व जो सर्विस है ये आई आपकी जापान से। तो जापान ने इस सर्विस को लाया था अपनी वॉलीबॉल टीम वॉलीबॉल के अंदर। तो फ्लोट सर्व वैसे कोई ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ सर्विस हो आती है। ये इसमें क्या होता है फ्लोट सर्व में कि ये जो एयर होती है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है बॉल घूमती नहीं है, ये जो आप जब इस बॉल स्लो होती है तो क्या होता है बॉल ना इधर इधर उधर जो एयर की वजह से कभी इधर इधर उधर ये जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जो भी सामने वाली टीम होती है डिफेंस के लिए, उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है पास लेने में। तो इसमें क्या होता है बॉल का जो डायरेक्शन होता है कभी लेफ्ट राइट आगे पीछे ड्रॉप हो सके और कभी कभी तो ये खाली जो जगह होती है वहाँ भी सर्विस चली जाती है। तो इसका यूज़ हम सामने वाली टीम को मतलब फंसाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सर्विस का यूज़ किया जाता है और अभी मतलब बहुत बढ़िया सर्व है आपको पॉइंट लेना है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे इसमें पोजीशन की। जब हम फ्लोट सर्व करवाते हैं तो उस समय आपको अपना जो बॉडी स्टांस हो ऐसा रखना, अगर आप राइट हैंडेड हो तो उसको आपका जो लेफ्ट पैर आगे आएगा, ठीक है। बॉडी लो, ये वाले बैक जो पैर रहेगा आपका लेग रहेगी इस पर सारा लोड आता है, ठीक है। बैक लोड आएगा, बॉडी स्ट्रेट, इस हाथ से हम टॉस करेंगे और ये जो हाथ रहेगा इसको पीछे ले जाना और ये आपका जो हेड होता है और ये शोल्डर इसके पीछे रखना है क्योंकि ये हाथ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हाथ ऐसा, और इसमें आपको ध्यान रखना जब आप बॉल को हिट करोगे तो आपकी जो रिस्ट है ये घूमनी नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए और हाथ आपके खुले हुए टाइट, और ये अब बॉल का जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए इस पर, ना कि इस पर फिंगर पर, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, लेग टॉस, बॉडी बैलेंस पीछे, हेड आगे, फेस आगे, उसके बाद बॉल को ऐसे लेना और ये ऐसे, ठीक है। तो ये पोजीशन अब मैं इसको बॉल के साथ करके दिखा, लेग आगे, बॉल टॉस, लेग इस पे साथ लोड रहेगा, हेड आगे और ये हाथ को पीछे करना, बॉल को यहाँ से ऐसे टॉस करना और ये दोबारा, रेडी सेकंड आपका देखो टॉस या टेक्निक, आप इसमें कुछ भी समझ लो क्योंकि मैं इसमें टॉस और टेक्निक दोनों की बात करूंगा। देखो आपको जो टॉस करना है ये बॉल सामने रखनी है और बॉल जब भी आप टॉस करना है ऐसे यहाँ से आपके हेड से मतलब 1 मीटर ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं फेंकना, हेड से 1 मीटर ऊपर हाथ ऐसे रहेगा और बॉल को ऐसे टॉस करना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये टॉस में जब भी आप टॉस करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है बॉल घूमनी नहीं चाहिए, जैसे आपका टॉस हो रहा तो देखो जैसे सीधी आ रही है घूम नहीं रही है, बॉल को घुमाना नहीं है, बॉल स्पिन करेगी तो आपकी फ्लोट सर्व अच्छी नहीं जाएगी। जब भी फ्लोट सर्व करवाते हो तो बॉल को घुमाना नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हिटिंग की। जब आप बॉल के ऊपर हिट करोगे, जैसे बॉल आई यहाँ आई, अब आपकी बॉल यहाँ आती है और पहले हिट कर देते हो तो ये गलत होगा। आपको हिट जब करना जब आपके सामने यहाँ आ जाए बॉल और ये आपका यहाँ से कॉन्टैक्ट हो, जब जाके बॉल को हिट करना। अब हिट कहाँ करना है, हिट आपको जैसे ये बॉल है बॉल के ऊपर यहाँ पर हिट करना है, यहाँ पर ये जो पोजीशन है सेंटर यहाँ पर हिट करना, और हिट क्या करना ये जो एरिया है इसको, इस एरिया को मतलब जो आपकी हथेली है इसका यूज़ करना बॉल के यहाँ पर इस जगह पर,
तो यहाँ से फिर जाएगी बोन फ्लॉटसर, और ये हाथों को टाइट रखना है, इसको घुमाना नहीं। अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे इधर इधर, रिस्ट घुमा दोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो सीधा इजीली ये लिया, टॉस किया, और ये यहाँ थर्ड, जब भी आप बॉल को हिट करते हो तो अपने हाथों को क्लोज नहीं करना, हैंड क्लोज नहीं करना, खुला जब बॉल को हिट करना। और सेकंड, इसमें आपको कोई फॉलो थ्रू नहीं होता है, जैसे कि आप कोई भी सर्विस कराते हो तो उसमें फॉलो थ्रू होता है कि ये लिया और ये आपका अगला पैर आगे पीछे जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ स्टैंड बॉल को लिया और हिट किया, ठीक है, कोई फॉलो थ्रू नहीं है। और नेट, जब भी आप बॉल को हिट कर रहे हो देखो, तो उसमें क्या करना कि जैसे कि इसमें क्या होता है फ्लॉटसर में बहुत इजी हिट करना, क्योंकि ये जब बॉल हवा में जाएगी तो ये ऑटोमेटिक फ्लोट करेगी, इसकी वजह से, क्योंकि ये घूम तो रही नहीं है, तो एयर जब इसको रोकता है तब ये बॉल फ्लोट करती है, ठीक है। इसको तेज़ नहीं मारना है कि आप पूरी जान लगा के मार दो, तो ये भी एक मिस्टेक है, तो आराम से मारना है। तो अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ड्रिल। देखो जब हम ड्रिल की बात करते हैं तो इसमें आपकी टू टाइप्स ड्रिल आएंगी। फर्स्ट, आपको अपनी पोजीशन जो है वो रखना, और हाथों को सीधा ये यहाँ पे रहेगा, और इसको टॉस करना और दीवार में बॉल मारनी है। बॉल ली, टॉस किया, रिस्ट घुमानी नहीं है, आराम से बॉल को हिट करना है, इससे ये और ऐसे। पहले इसको दीवार में करके देखना, पहला तो इसको कि दीवार में करके देखो भाई, ठीक है, इसको जितना हो सके उसको दीवार में करके देखो। जब आपका दीवार के ऊपर हाथ सेट हो जाए बॉल के ऊपर, फिर आपको इसको नेट पे करके देखना है, जैसे आपका जो नेट है, क्योंकि पहला अगर पास से आपका आ जाएगा तो सेकंड ड्रिल में हम इसको नेट से करके देखेंगे, ठीक है। दोनों ड्रिल बताएं, पहली ड्रिल की आपको, आपके पास दीवार हो तो ज़्यादा अच्छा है कि बॉल दूर नहीं जाएगी, आपको अपने दीवार के पास से कर लो, या हाफ कोर्ट से ड्रिल कर सकते हैं पहली वाली, कि बॉल को क्रॉस करना है नेट के ऊपर। और सेकंड, आपको बाहर आना, कोर्ट से बाहर आना जब आपको बॉल को हिट करना है, तो ये दोनों ड्रिल करो। तो आज की वीडियो हमने चार पॉइंट डिस्कस करे, स्टांस, टेक्निक और मिस्टेक, और फोर्थ आपका ड्रिल, ये चारों स्टेप डिस्कस करे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, और साथ के साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लो, और अपना ब्लॉग चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और मैंने ऐसा सोचा कि जिसको भी मतलब अगर बॉलीवॉल की क्लासेस चाहिए, तो उसको हम अभी इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक से हम इसको करेंगे, तो जिसको भी चाहिए वो अपना मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर DM कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।